भाई, आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। ये क्या कर रहे तू? पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहे, कुछ तो इज्जत कर। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची गाय को लगनी। उसको बोल काम देख, काम मत देख, फिर वो काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के। यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डाल दो, चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। अपने हक का इतना ही है समझा, ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका है। चल ठीक है, ये गाड़ी से बर्बाद करेगी क्या, एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। ए, मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है क्या? कर अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या खास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे क्या है सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी मेरे को कहा की शर्म, शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये कथा पाल के रखा ना, खट्टा खट्टा है कि नहीं? तू चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का काम, सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है, पूछो। अरे पुष्पा ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक बार बता, मैं कल वापस आने वाला हूँ, अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भुगतना खा के भैंस हो गई। असल रकम 3,000, ब्याज की रकम 3,600, टोटल 6,600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सरल गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था, अब चुका दिया तो चल तारीफ कर। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर, चल चलता हूँ अभी। अरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणेश, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ, अमर तेजा, चेलापति, चेनम्मा। ए रुक, क्या बात करता है, इन सबके घर पे जाना पड़ेगा, पागल है क्या? पड़ेगा राइडू अंकल। सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, तो पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच गया। Thank you.
मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, ओके, चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चला रहे। तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? टिकर के नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चला रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने को शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्कल नहीं क्या? इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इधर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते कहला, तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? कायरे हलकट दिखता नहीं कि प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कला। जमीन चाहिए तुझे, चलो पता मोर कहाँ है। कायरे सर, तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आए? कायदा लसा है, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे को देखिए, कितने खूंखार लग रहे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसके बाद सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। जाने दीजिए प्लीज। कुत्तों का चारा, जीवन है ये इंसानों का चारा।
दुनिया क्या करे। रहना तू होशियार, नहीं तो खाएगा चारा तुझको। जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तू खुद चारे को। भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है दम। हे जागो जागो बकरे, पुंज तक तर रह जाए रे। धूप है, टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ।
मेरे को नहीं रहे, इसको मिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है, आराम से भी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ ना। और कौन आएगा, वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरा मुन्ना केस जो बनाना है तुझ पर पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्यों है? पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखेल की औलाद में फर्क होता या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। तेरा नाम क्या है? लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खाना नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया भी नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी, इन तीनों भाई में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है।
कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। उन्हें तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये गुंडा रेड सबसे खतरनाक, एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। जरूरी था जीप के बोनट से जीप में सीधे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कल गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस के मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 में मुश्किल से कमाते भाऊ, ये लोग को पता के क्या फायदा, लुखे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या जंगली कहेगा? ए चुप रहे, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगना दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला, इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहे? आज सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलीये से मारता हूँ उसकी हालत के कारण, इतनी बार पड़े फिर भी हंस रहा हूँ, उसे घात में लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊँ मैं समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। अरे ए चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब पेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहे भाऊ, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले गोट को बुला। ए जॉली, ऐसा नहीं, जॉली ये ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? गोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? गोंडा रेड्डी से। सर बस बस बस, दरवाजा खुल रहा नहीं है। अगर चिल्ला मत खोल रहा हूँ।